तो गाइस आज हमारे पास है हायर का डी फ्रिज, जिसके आज मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा इसके अंदर क्या क्या हाइलाइट्स देखने को मिलती है, क्या क्या इसकी जो है बॉडी देखने को मिलती है, कैसे मेटालिक बॉडी है, क्या इसके फीचर्स है, कैसे डी फ्रिज ये वर्क करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टेम्परेचर के बारे में कि लास्ट टेम्परेचर कब तक होता है डी फ्रिज का। तो -18 डिग्री तक ये जा सकता है अगर आपको बर्फ़ वगैरह जमानी है, अगर आपको इसमें कोल्ड ड्रिंक स्टोर करनी है तो इसमें कन्वर्टेबल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आप इसे फ्रिज से जो है फ्रीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है। एक पावर मिलती है, जब आप इसको पावर दोगे तो ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी। अलार्म का मतलब है अगर आपका जो इसका ऊपर का ढक्कन होता है मतलब ये खुला हुआ रह गया तो आपको जो है अलार्म बज जाएगा कि आपका जो है आपने डी फ्रिज को बंद नहीं किया है ऊपर से। तो ये कन्वर्टेबल है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ से फ्रिज लिखा हुआ है तो आप जो है 5 तक जो है इसे फ्रिज पर रख सकते हैं। आप इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्टोर कर पाओगे, बर्फ़ नहीं जमाएगा। अगर आपको उसके अंदर बर्फ़ जमानी है तो आपको जो यहाँ पर इसे करना पड़ेगा और ये जो है फ्रीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बर्फ़ जमा जाएगा। और यहाँ पर देखो गाइस, आपको अगर क्लीन करना है अंदर से तो आप इसे अच्छी तरीके से धो सकते हैं, पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसको सिंपली इसमें लगा देते हैं और पूरी मेटालिक बॉडी देखने को मिलती है वाइट कलर में और एंटी शॉक प्रूफ ये देखने को मिलता है। अगर मेटालिक बॉडी है तो आपको जो है शॉक का डर नहीं होगा इसमें, क्योंकि एंटी शॉक प्रूफ इसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई कि आपको जो करंट वगैरह नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पर हायर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो चलिए ऊपर से आपको एक बार व्यू दिखा दो। यहाँ पर जो है आपको लॉक मैकेनिज्म देखने को मिलता है जो कि स्टील में आपको देखने को मिलता है लॉक मैकेनिज्म इधर भी और इधर भी। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से किस तरह का लुक देखने को मिलता है। और जो इसका ये कवर है ये 3 लेयर में देखने को मिलता है, मतलब आपको काफ़ी देर तक जो है कूलिंग को स्टोर कर सकता है लाइट जाने के बाद में। तो अंदर से देखिए आपको एल्युमिनियम बॉडी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, ऐसे हाथ पैर में थोड़ी रफ सी देखने को मिलती है। अगर इसकी कूलिंग सिस्टम की बात करें तो गाइस 5 तरीके से कूलिंग करते हैं, मतलब 5 साइड से 1, 2, 3 एंड 4 एंड नीचे से भी 5 कूलिंग ये करता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी तेज़ी से कूलिंग कर पाएगा। इसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। आपको जो है मैं दोनों को ओपन करके दिखा दूँ किस तरह का लुक देखने को मिलता है। अगर इसकी नेट कैपेसिटी की बात करें तो 301 लीटर का इसका अंदर का पोर्शन देखने को मिलता है, 301 लीटर तक कैपेसिटी स्टोर कर पाएगा अंदर से। अगर गाइस मैं आपको बताऊं इसकी फिनिशिंग कैसी देखने को मिल रही है आप अपने फर्स्ट लुक से बताऊं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा अंदर से देखने को मिल रहा है। एल्युमिनियम बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। मैंने आपको बताया था नीचे से कि आप इसे अंदर से क्लीन कर पाओगे तो पानी जो है यहाँ से बाहर चला जाएगा, यहाँ से भी इसको खोलना पड़ेगा आपको अंदर से। तो इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। चलिए आपको जो एक बार इसकी बैक साइड दिखाता हूँ कि बैक साइड से कैसा देखने में लगता है ये फ्रिज। तो गाइस अगर बैक साइड की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है इसके स्प्रिंग दे रखे हैं होल को ओपन करने के लिए और यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप इस डीप फ्रिज को बाय करना चाहते हो तो मॉडल नंबर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है किसी डीप फ्रिज के लिए। तो मॉडल नंबर इसका HCC320SCD इसका मॉडल नंबर है और 340 वोल्ट इसका रेजिस्टिविटी पावर इनपुट देना पड़ेगा आपको। अगर नेट इसके वजन की बात करें डीप फ्रिज की तो 50 किलो का ये फ्रिज है। अगर गाइस इसकी मैं आपको बताऊँ वोल्टेज कितनी लेगा तो 160 से जो है 260 में वोल्टेज पर चल जाएगा गाइज। तो गाइज ये थी डी फ्रिज की क्विक वीडियो जो मैंने आपको बताया इसके फीचर्स के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो इस डी फ्रिज को लेकर तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे कमेंट करना है या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना है, मेरी तरफ से आपको 24 आवर्स में मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा गाइज। और मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ, इसकी प्राइस कितनी है 24,500 रुपये इसकी शोरूम प्राइस है अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं। तो पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन भी बाय करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी इसको बाय कर पाओगे। तो गाइस फिलहाल इतना था इस वीडियो में, मिलेंगे आपको फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।